प्रदेश के भूमिहीन मजदूरों से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली सरकार है जो राज्य के भूमिहीन श्रमिकों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 7,000 रुपए देकर आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है, जहाँ प्रदेश के 4,66,000 परिवारों को 7,000 रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान की जा रही, जिसमें बीते वर्ष 142 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के हितग्राहियों को दो किस्तों में 221 करोड़ 88 लाख रुपए की मदद की गई है। कैबिनेट मंत्री श्री अकबर ने शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के दौरान किसानों के हित के लिए धान का विक्रय प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल किया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना भी शामिल है। और वहीं 2,500 रुपए में धान खरीदने का वादा भी किया था, लेकिन इस वर्ष 2,640 रुपए में ही धान की खरीदी हो रही है। अंतर की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को भुगतान भी किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हर परिवार का राशन कार्ड बनाया जा रहा है, चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो या फिर ऊपर हो। परिवार में सदस्य संख्या बढ़ने पर कार्ड को तोड़कर एक और नया कार्ड बना दिया जा रहा है, जिसमें प्रदेश में 72 लाख राशन कार्ड है और इस तरह छूटे हुए लोगों का भी राशन कार्ड बनाए जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और नई अपडेट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।